इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरी पिया म्यूजिक वीडियो का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने मेरा न्यू सॉन्ग नहीं सुना है और उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, तो स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। सॉन्ग का टाइटल है पिया, तो आप पिया म्यूजिक वीडियो बाय अभाषा लिख के सर्च कर सकते हैं और फिर आकर ये पॉडकास्ट आराम से सुन सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, आज के एपिसोड की तरफ। आकाश कॉलेज ड्रॉप आउट, पैशनेट फॉर म्यूजिक, दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता है। एक छोटा सा परिवार, पापा मम्मी और एक बड़ा भाई। बचपन से ही उसका सपना एक सिंगर बनने का था। पढ़ाई में कभी मन लगा नहीं और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उसने कॉलेज भी छोड़ दिया, और उसके इस फैसले से उसका परिवार बिल्कुल खुश नहीं था। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई, और अब हालात ऐसे हैं कि एक ही घर में रहते हैं पर उसकी किसी से बात तक नहीं होती। और फिलहाल वो अपना खर्चा भी खुद चला रहा है, शाम से रात तक कैफेज में गा गा कर। वो खुश है अपने आप से, पर जैसे ही घर पहुंचता है उसे घुटन महसूस होती है। वो चाहता है कि वो कहीं और एक कमरा ले ले जहां कम से कम खुल के वो सांस तो ले पाएगा। सुबह वो एक कॉलेज के बाहर अपना गिटार लेकर टाइम पास के लिए गाने गुनगुनाए करता है। उसका रियाज भी हो जाता है और कुछ लोगों से तारीफें भी बटोर लेता है वो। शायद एक और रीजन है उसका उधर बैठकर गुनगुनाने का। पिया, आकाश की हर सुबह पिया को देखकर ही शुरू होती है। हिमाचल से आई एक लड़की अभी दिल्ली में पढ़ रही है और आकाश की आवाज की फैन भी है। यूं तो उनकी बातें हुई नहीं है पर आंखों से ही वो एक दूसरे को सब कह चुके हैं। और पहली बार उनकी बात हुई उसी कैफे में जहां आकाश अक्सर परफॉर्म करता है। फिर धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, दोनों की कहानियां एक्सचेंज हुई और साथ में दिल भी। पिया आकाश के ड्रीम को पूरी तरह सपोर्ट करती थी। वो जानती थी कि एक दिन वो खूब ऊंचाइयों को छुएगा। उसी ने अपने कॉलेज फेस्ट में आकाश की परफॉर्मेंस कराई, जहां से उसको कुछ और लोग जानने लगे। सोशल मीडिया पे उसका पेज बनाया, उसकी मदद से आकाश को भी एक डायरेक्शन मिलने लगी। फिर जब पिया का कॉलेज ओवर हुआ, उसकी जॉब तो दिल्ली में ही लगी पर 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए उसे बैंगलोर जाना पड़ा। और उन 6 महीने के दौरान आकाश ने अपने सपनों की सीढ़ी पकड़ ली। उसे उसका सपना सच होता हुआ दिख रहा था और इसका सारा क्रेडिट वो पिया को ही देता है। अब उसको शोज मिलने लगे हैं, थोड़ा फेमस हो गया है वो, कि अब उसके फैंस भी बन गए हैं। अब म्यूजिक के जरिए उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो पा रही है। जब पिया अपनी ट्रेनिंग से वापस आई, वो बहुत खुश थी आकाश के लिए। उसने हमेशा से आकाश के लिए यही ख्वाब देखा था और आज वो पूरा होता हुआ दिख रहा था। 6 महीने दूर रहने के बाद भी दोनों के प्यार में जरा भी फर्क नहीं आया। तब आकाश ने पिया से एक बात कही थी, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये छोटी मोटी चीजें हमें अलग नहीं कर सकती। अब आकाश का करियर भी सेटल हो रहा था पर उसके घर का माहौल अभी भी सेटल नहीं था। अभी भी जब वो घर जाता तो लगता जैसे मातम सा छा रखा हो। उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था कोई, कभी कभी लड़ाई हो जाती थी। उसके काम को हमेशा बुरा भला कहा जाता था और अब ये सब सुनकर आकाश सच में पूरी तरह तंग आ चुका था। अब वो और नेगेटिविटी नहीं झेल सकता था, तो बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो ये घर छोड़कर चला जाएगा, थोड़ी दूरी कहीं पर शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि माहौल टॉक्सिक होता जा रहा था। वहीं पिया अपनी जॉब लाइफ से खुश नहीं थी। 2 महीने से काम कर रही है पर अभी तक उसे इस काम की आदत ही नहीं पड़ी। उसने कंपनी में, मतलब अपनी ड्रीम कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया था पर अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया है। कुछ दिनों के बाद आकाश ने अपना घर छोड़कर एक नई जगह शिफ्ट कर लिया और उसकी फैमिली का कोई रिएक्शन भी नहीं था उस पर, मानो कोई मतलब ही ना बचा हो। और ये देखकर आकाश के दिल पे चोट बहुत जोर की लगी। पिया और आकाश एक ही शहर में रहते हैं पर अब मिलते बहुत कम है। काम ने दोनों को ही कैद करके रखा है, पर टाइम निकालकर एक दिन बड़े दिनों के बाद वो दोनों डेट पे गए। हाय, कैसी हो? मैं ठीक, तुम बताओ। यार कितने दिनों से हमारी ढंग से बात भी नहीं हुई। जब से तुम बैंगलोर से वापस आई हो, हम 2 महीने में कितनी बार मिले हैं? मुश्किल से एक बार शायद। वही तो, बट नो वन टू ब्लेम ना, काम ही इतना हो गया है। तुम तो जानते हो खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। डर लगता है यार कभी कभी, मैंने देखा है लोगों को, कम्युनिकेशन गैप बन जाता है फिर धीरे धीरे कैसे अलग हो जाते हैं। हम तो अलग नहीं होंगे ना। ओए हेलो, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक हो ना आकाश तुम? और भूल गए, तुम ही ने तो बोला था हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये छोटी छोटी चीजें हमें अलग नहीं कर सकती। हाँ फिर भी अच्छा नहीं लगता ना, हम एक ही शहर में रहते हैं फिर भी मिलते ही नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं शिफ्ट कर रहा हूँ।
हाँ तो वो मैंने कर लिया है। एक सेकेंड, आई हैव एन आइडिया। पिया, व्हाई डोंट यू मूव इन विद मी? क्या मैंने सही सुना? आर यू सजेस्टिंग लिव इन? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सही रहेगा ना, हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आकाश, तुम्हें नहीं लगता ये काफी जल्दी हो जाएगा? आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दिस। और रही बात टाइम स्पेंड करने की, तो हम मैनेज कर लेंगे ना, बहुत टाइम है हमारे पास, लाइफ थोड़ी ना खत्म हो रही है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? डोंट यू लव मी एनी मोर? सी, यही प्रॉब्लम है, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। ऑफ कोर्स आई लव यू, बट आई एम नॉट रेडी राइट नाउ, और ये डिसीजन मेरे लिए बड़ा है, ऐसे अचानक से, यू नो। आकाश, ऐसा नहीं होता है। ओके, आई अंडरस्टैंड, यू आर नॉट रेडी। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? ना ना, मैं क्यों गुस्सा आऊंगा? फिर कोई और बात करें? बात क्यों करनी है, बहुत टाइम है ना हमारे पास, लाइफ थोड़ी ना खत्म हो रही है, कभी भी बात कर लेंगे। आज खा लेते हैं फिर चलते हैं। आकाश, आकाश इधर देखो, आकाश छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ, प्लीज प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं कहीं नहीं जा रही, आकाश मेरी तरफ देखो, मूड मत खराब करो यार। सच्ची बोल रही हो ना? क्या पिया, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, मेरी और किसी से बात नहीं होती है, तो बस एक डर लगा रहता है कि कहीं तुम भी ना छूट जाओ मुझसे। तो सच में ना, तुम कहीं नहीं जा रही ना, हम कहीं नहीं जा रहे ना यार, इतना सेंटी मत करो यार। हाँ आकाश, आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर उन दोनों ने अपनी जिंदगियों के बारे में थोड़ी और बातें करी। फिर आकाश ने पिया को उसके घर ड्रॉप किया और अपने नए घर में अकेला बैठा अपने नए गाने की तैयारी में लग गया। अगली शाम को पिया जब अपने रूम पे आई, काम से थकी हुई, अपना बैग उसने सोफे पे रखा और कमरे में जाकर बिस्तर पे लेट गई। एक आंख खोलकर लेटे लेटे अपना फोन चेक कर रही थी कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस तो नहीं आए। ऑफिस में उसको जरा भी टाइम नहीं मिलता फोन यूज करने का, तो सारे मैसेजेस कॉल्स के जवाब वो शाम को घर आकर ही देती है। जब उसने अपना मेल खोला तो उसके पास एक ईमेल आया हुआ था, उसी कंपनी का जहां उसने 2 महीने पहले इंटरव्यू दिया था। खुशी की बात थी कि उसको हायर कर लिया गया था और पुणे में उसकी रिपोर्टिंग थी, जॉइनिंग डेट 1.5 महीने बाद की। वो बहुत खुश हुई, और हो भी क्यों ना, उसको उसकी ड्रीम कंपनी से ऑफर आया था भाई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसे दिल्ली छोड़कर पुणे जाना पड़ेगा, इस शहर से दूर, मतलब आकाश से दूर। अभी कल ही तो उन दोनों की इसी बात पे डिस्कशन हुई थी, और पिया ने उसे प्रॉमिस भी किया था कि अब वो उससे दूर नहीं जाने वाली है। ये कैसी परेशानी थी, वो ये मौका भी नहीं छोड़ सकती, और आकाश। तब उसने मन बनाया कि अब वो एक सेकंड के लिए भी उससे दूर नहीं रह सकती। जब तक वो यहां है तब तक वो आकाश के साथ ही अपना सारा वक्त बिताएगी। उसने ईमेल के रिप्लाई में अपनी कंफर्मेशन डाल दी और आकाश को कॉल किया। हाय, और आ गए ऑफिस से? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस अपने नए गाने की धुन बना रहा हूँ। सुनाओ तुम्हें। हाँ सुनाओ। अभी ऐसे ही है, इसे चेंज करूंगा, बट तुम सुन लो कैसी है। पिया 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 पिया, कुछ मिसिंग सा लग रहा है ना, उसी के लिए कुछ सोच रहा हूँ। वैसे कैसा साउंड कर रहा है? तुमने मेरे लिए लिखा है? वाओ, बहुत प्यारा है सच्ची। अच्छा सुनो ना, कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बोलो। अभी मेरे पास एक मतलब कैन आई मूव इन विथ यू? हाँ, क्या हुआ अचानक, कल तो तुम रेडी नहीं थी और आज? कुछ नहीं, आई थॉट अबाउट इट एंड चेंज्ड माय माइंड। देखो मैं ठीक हूँ, तुम अगर मेरे लिए कर रही हो तो फिर। नहीं नहीं सीरियसली, मैंने सोचा और मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे थे। हाँ बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा सोचा तुमने, मैं कितना खुश हूँ ये सुनकर, मैं बता नहीं सकता तुम्हें। वैसे तुम भी ना एकदम से अपने फैसले बदलती हो, बट ठीक है,
I'm so excited. Me too. Love you, Akash. Yep. Love you too. पिया ने आकाश को अपने जॉब ऑफर के बारे में फिलहाल के लिए नहीं बताया। वो बता ही नहीं पाई उसे इतना खुश देखकर। उसने सोचा कुछ दिनों के बाद उसे बता देगी। दो दिन के बाद पिया आकाश के साथ ही शिफ्ट हो गई। अब दोनों सुबह एक दूसरे का चेहरा देखकर उठते थे। खुश थे दोनों। ना ही इतने दिनों में पिया ने इतनी राहत महसूस की थी, ना ही आकाश ने। और अब साथ रहते रहते एक महीना गुजर गया और पता भी नहीं चला। फिर एक दिन आकाश पिया का फोन हाथ में लिए उसके पास गया। पिया किचन में कॉफी बना रही थी। पिया, क्या है ये? क्या क्या है ये? तुम एग्जैक्टली मुझे कब बताने वाली थी या बताने भी नहीं वाली थी? साफ साफ बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुम पुणे जा रही हो, नेक्स्ट वीक से तुम्हारी जॉइनिंग है, और ये मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे फोन से पता चल रहा है। अच्छा, वो कुछ नहीं है। मैंने पहले हाँ बोला था, पर अब मैं डिक्लाइन कर दूंगी ऑफर। क्या तुम क्या करती हो, क्या सोचती हो, मेरी समझ में नहीं आता है। हाँ किया था, अब डिक्लाइन कर दूंगी, क्या है ये सब? ये ऑफर तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, तुम्हें बताना तो चाहिए ना मुझे। सॉरी आकाश, मैं बताती तुम्हें, पर फिर मुझे कोई मतलब ही नहीं लगा जब मैं ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली हूँ तो। पर क्यों नहीं करने वाली हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे लिए। प्लीज, अभी मजाक का मूड नहीं है मेरा। तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर रही हो, पागल मत बनो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती है। पर तुम्हें मेरी कसम, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगले हफ्ते पिया की फ्लाइट थी पुणे के लिए। वो आकाश को गुड बाय नहीं कहना चाहती थी, वो उसके साथ रहना चाहती थी। आकाश ने पिया से माफी मांगी कि वो उसको ड्रॉप करने एयरपोर्ट तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि दो हफ्ते पहले से ही आज की डेट पे उसकी रिकॉर्डिंग शेड्यूल्ड थी, तो वो रात तक ही फ्री हो पाएगा। तो घर से ही पिया आकाश को अलविदा कहकर आंखों में आंसू लिए चली गई। मजबूरियां बहुत बड़ी चीज होती है ना। वहां आकाश स्टूडियो में अपने सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कर रहा था। होते होते रात हो गई। वो भी उदास था कि घर पे उसे सन्नाटा मिलेगा पहले की तरह। पिछले एक महीने से तो पिया ने कमरे की रौनक बढ़ा रखी थी। उसने चाबी लगाई, दरवाजा खोला, वो गुनगुना रहा था। उसने सोफे की तरफ देखा और एकदम ही चुप हो गया। हाय, कैसी रही रिकॉर्डिंग? पिया उसके सामने बैठी थी। आकाश की बोलती बंद हो गई। वो कुछ बोलना चाह रहा था पर नहीं बोल पा रहा था। वो क्या बोलता? शॉक में था वो पिया को वहां देखकर। पर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज उसके गले तक पहुंची और उसने पिया से पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम पूछोगे, दरवाजा बाहर से बंद था, फिर भी मैं अंदर कैसे आई। पर ठीक है, पहले तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर कर दूं। मैंने फ्लाइट छोड़ दी, मैं पुणे नहीं जा रही। मैंने डिसाइड किया मैं यहीं रहूंगी। ये क्या बचपन है, ऐसे कैसे फ्लाइट छोड़ दी तुमने, और क्यों नहीं जाना? तुम खुश नहीं हो क्या मुझे देखकर? पिया तुम पागल हो क्या यार? हाँ बोला तो था तुम्हारे लिए। तुम ना यार गले लगो यार बस। देखा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये छोटी मोटी चीजें हमें अलग नहीं कर सकती। अच्छा बताओ, तुम बंद दरवाजे में भी घर के अंदर कैसे आई? टॉप सीक्रेट। वैसे मैंने तुम्हें अपनी कसम दी थी, वो तोड़ दी तुमने। अब अगर मुझे कुछ हो गया तो ब्लेम तुम पर ही आएगा। अरे ऐसी बातें मत करो, कसम वसम कुछ नहीं होती है, और तुम्हारे लिए ही तुम्हारी कसम तोड़ी है। वैसे भी मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड थी तब। अब वो सब छोड़ो, कॉफी पिए। वैसे मोहब्बत अगर दोनों तरफ से बराबर की हो तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं लगती। आकाश और पिया भी फिर साल भर तक खुशी खुशी हंसते खेलते रहे। पर काश इनकी कहानी भी एक हैप्पी एंडिंग लेकर आती, पर अफसोस नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ जिसके बाद इनकी हैप्पी हैप्पी सी लव स्टोरी हैप्पी नहीं रह पाई। अब इसके आगे की कहानी जानने के लिए कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि उनकी कहानी एक हैप्पी मोड नहीं ले पाई, इसके आगे की स्टोरी मैंने कंटिन्यू करी है अपनी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो में, जो कि 24 जून को रिलीज हो जाएगा। सॉन्ग का टाइटल होने वाला है बातें रुक गई। आपको ये सॉन्ग जरूर पसंद आएगा, और वो इस कहानी का आखिरी एपिसोड भी होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं फिर। कीप लिसनिंग स्टोरीज विद आभाष झा।